बांसबा क्षेत्र में बनास नदी के एरिया करीब 60 किलोमीटर पर प्रशासन की मिलीभगत से वहाँ के थानाधिकारी, वहाँ के हमारे उपखंड अधिकारी, माइनिंग विभाग की मिलीभगत से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे तेज रफ्तार से ओवरलोड वाहनों की स्पीड होने के कारण विगत 3-4 महीने के दौरान नाथुण में 4 लड़कों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। इसी तरह बिंदाबाटा में एक मातोड़ाई में एक मृत्यु हो गई, जालमपुरा चौराहे में 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कुरड़े में 4 की हो गई, नाथुण में 2 लड़कों की मृत्यु हो गई लगातार, और हाल ही 10-3 को राउतखेड़ा में तेज रफ्तार से सुबह 11:30 बजे अपनी पत्नी को अस्पताल में चेक कराने के लिए ला रहा था, उसकी दर्दनाक घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो हमने, ग्रामीणों ने, आम जन ने उनके विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध मांग की प्रशासन से कि भाई ये ओवरलोड ट्रैफिक वाहन बंद किया जाए, तो वहाँ के थाने अधिकारी ने, प्रशासन ने ग्रामीणों के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए, जो राजकार्य के जो अनेक आम जन में आक्रोश है। इसी तरह वहाँ जाजपुर थाना अधिकारी के द्वारा हनी ट्रैप के मामले मुक्त दर्ज कराए गए हैं, जिससे व्यापारियों से, आम जन से करोड़ों रुपए के पैसा वसूला जा रहा है। मैं श्रीमान से, अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि गरीब परिवारों की, आम जन की, उनके परिवार परिजनों को आर्थिक सहायता के पैकेज की मांग करता हूँ। साथ ही करीब उस क्षेत्र, मेरे क्षेत्र में 50-60 जो जवान आम जनों की मृत्यु हुई, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता पैकेज दिया जाए। और मैं श्रीमान से कहना चाहता हूँ, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का प्रतिस्थापन कर का सीआई का, श्रीमान की अनुमति हो अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो प्रकरण है मैं सदन में अवगत कराना चाहता हूँ। हनी ट्रैप के और ऐसे जो लिखा हुआ गंभीर आरोप लगे हुए हैं, ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग दे रखी है, दुराचरण का, चरित्र का, सारे उनके ऊपर आरोप है, मैं आपको टेबल कर सकता हूँ, मेरे पास। धन्यवाद। श्री सतीश पुनिया।